मिथुन राशि के जातकों, इस पूरे महीने शनि देव आपके अष्टम में बैठकर कर रहे हैं आपको परेशान। यदि आप कुछ सरल उपाय जानकर बचना चाहते हैं शनि देव के इन कष्टों से, तो अंत तक देखते रहिए अपना ये मासिक राशिफल। जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से पुनः आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मिथुन यानी कि जेमिनी राशि का अगस्त मास का मासिक राशिफल लेकर। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहने वाला है अगस्त 2020 का ये महीना, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जानने के लिए अंत तक देखते रहिए ये अगस्त मास का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध देवता की। तो बुध देवता महीने के कुछ शुरुआत के 2-3 दिनों के लिए अपनी ही राशि में वास कर रहे हैं, जो कि वो जुलाई 15 से ही वहां पर हैं, परंतु अब धीरे धीरे वो ट्रांजिशन करेंगे और कर्क राशि में आएंगे, जिस समय पर आपके लिए जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता भी बैठे हुए हैं और सूर्य देवता बुध देवता को अस्त कर रहे हैं। परंतु जब सिंह संक्रांति के उपरांत सूर्य देवता सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो उस समय पर जो बुध देव हैं वो कुछ समय के लिए अपनी जो अस्त वाली स्थिति है उससे बाहर आएंगे। तो ये समय कुछ दिनों के जो महीने के बीच का है वो आपके लिए ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो चंद्रदेव के घर में बैठे हुए हैं और चंद्रदेव बुध देव के जो आपस में दुश्मनी है। इसके पश्चात वापस जो बुध देवता हैं वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर से अस्त की स्थिति में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर महीने के अगर मैं शुरुआत के 2-4 दिनों को छोड़ दूं, तो पूरे महीने जो आपके बुध देवता की जो स्थिति है वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखा रही है। और राशि के स्वामी की अच्छी स्थिति ना होना आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको परेशान कर सकता है। अब यहाँ पर यदि आप अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी सिर्फ इस महीने नहीं सदैव के लिए अपने हाथ में धारण करके रहेंगे, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं वो बुध देव की ऐसी जो चाल है, जो समय समय पर उनका वक्री हो जाना है या अस्त हो जाना है या और भी जो परेशानियां आती हैं ग्रहों की चाल की वजह से, उन सभी से सुरक्षित रह सकते हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि सभी मिथुन राशि के जातक अपने हाथ में एक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी हमेशा ही धारण करके रहें। और यदि आप ये अंगूठी अपने आसपास से आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके भी इस अंगूठी को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो लाभ भाव है, वहां पर जो चंद्रमा का प्रवेश है वो 20 से 21 अगस्त के बीच में रहेगा। इस समय पर जो पैतृक संपत्ति है उसमें वृद्धि होने की जो संभावना है वो काफी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा जो बाकी का महीना है उसमें स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, क्योंकि बुध देवता जब प्रवेश करेंगे तो वो वहां पर अस्त हो जाएंगे, जो कि दिखाता है कि पैतृक संपत्ति में कुछ नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। अब हम बात करते हैं आपके भाई बहनों के साथ रिलेशंस की। तो यहां पर शुरुआत के जो 15 दिन हैं सूर्य देवता आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और मालिक हैं आपके भाई बहनों के भाव के, दर्शाता है कि यदि आप अपने भाई बहनों के सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर चलते हैं, तो आपकी पैतृक संपत्ति में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने की संभावना है। तो कोई भी अपनी पैतृक संपत्ति से जो रिलेटेड डिसीजन है उसको अपने भाई बहनों से कंसल्ट करके ही लें, विशेष तौर पर ये मैं शुरुआत के 15 दिनों के लिए कह रहा हूं। उसके पश्चात तो सूर्य देवता अपने ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह
संक्रांति के पश्चात। तो यहाँ पर आपके भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो और बेहतर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपकी माता के भाव की। तो यहाँ पे जो माता का भाव है वो आपकी राशि के मालिक भी है, यानी कि बुध देव है। तो जो सारी प्रॉब्लम आपकी राशि के साथ है वही सारी प्रॉब्लम आपको अपनी माता जी के साथ भी दिखेंगी, वही सारी प्रॉब्लम आपको अपने वाहन के साथ भी दिखेगी। तो इस पूरे महीने आपका वाहन आपको परेशान कर सकता है। अचानक आपको आपका जो वाहन है, आप गाड़ी से ऑफिस जा रहे हैं, ये गाड़ी से कहीं बाहर आपको जाने की आवश्यकता है तो खराब हो सकता है, तो सावधान यहाँ पर आप रहें। अगर गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है तो उसे करा लें, नहीं तो ये जो गाड़ी है वो आपको परेशान कर सकती है। इस महीने अपने घर में रेनोवेशन के काम से भी आप परहेज रखें तो यही आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ रिलेटेड मैटर्स की। तो यहाँ पर जो मालिक हैं शुक्र देवता, आपके लव लाइफ के मैटर्स के मालिक, आपकी संतान के मालिक, आपके पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी मैटर के मालिक, वो खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं परंतु अपने घर में बैठे हुए हैं। दर्शाता है कि आपके इस महीने कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, अपनी एजुकेशन पे खर्चे बढ़ सकते हैं, अपने पार्टनर पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है, अपनी संतान पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। परंतु जो शुक्र देवता है क्योंकि अपने घर में ही बैठे हुए हैं तो ये दर्शाता है कि जो खर्चा है ये अच्छा खर्चा है। अच्छा खर्चे से मेरा मतलब है कि इसका लाभ आपको आगे चलकर अवश्य मिलेगा। यदि आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट देते हैं, अपने प्रेमी को कोई गिफ्ट देते हैं, तो इससे आपके जो संबंध है वो बेहतर होंगे। अपने बच्चों की एजुकेशन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बच्चों की जो पढ़ाई है वो और बेहतर होगी। स्टूडेंट्स को विशेष तौर पर जो उनके इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और ये स्थिति पूरे महीने बनी हुई है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य के मालिक हैं वो मंगल हैं। मंगल महीने की जो शुरुआत है उसमें कर्म भाव में बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे हैं, एकदम बढ़िया स्थिति है, अपने मित्र के घर बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस महीने शायद आपको बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं करने वाली है। और अगर थोड़ी बहुत भी जो समस्याएं हैं महीने की शुरुआत में रहती हैं तो जब मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे जो कि 10 तारीख के आसपास होने वाला है तो आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य आपका बहुत ही उत्तम रहेगा, आपका साथ देगा, वर्क प्लेस पर आपकी बहुत अच्छी कंसंट्रेशन दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस की और बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस की। तो यहाँ पर गुरु और केतु साथ में बैठे हुए हैं। अब गुरु और केतु में तो आपस में मित्रता है पर ये गुरु का अपना घर भी है, धनु राशि है ये, तो ये गुरु का अपना घर भी है। परंतु बृहस्पति इस समय पर आसमान में वक्री चल रहे हैं जो कि दर्शाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रहने वाली है। विशेष तौर पर यहाँ पर मान सम्मान का लॉस, यानी कि मान सम्मान की हानि हो सकती है जो कि आपके बिजनेस पार्टनर की वजह से हो सकती है या आपके लाइफ पार्टनर की वजह से हो सकती है, तो यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने सबसे विशेष आपके लिए कहा था शनि देव की। तो जिनकी स्थिति आपकी कुंडली में इस पूरे महीने सबसे ज्यादा खराब है, अष्टम भाव में बैठे हुए शनि वक्री हैं, आपके लिए ये बहुत ही अशुभ संकेत है और इसके लिए
उपाय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। किसी गलत वजह से गलत चीजों में फंसकर आपकी जेल जाने तक की नौबत इस महीने आ सकती है। तो लड़ाई झगड़े में आप भाग न लें, ऐसी किसी भी चीज से आप अपने आप को एकदम दूर रखें। एक्सीडेंट्स होने की संभावना भी यहाँ पर पूरी पूरी दिखाई दे रही है और ये पूरे महीने इसकी रहने वाली है। वाहन बहुत संभल कर ड्राइव करें। आपके ससुराल पक्ष से भी कोई अशुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। अब इसके लिए उपाय को समझ लेते हैं। तो यदि आपके घर के आसपास कोई भी मोची है तो यदि आप उसे छाता दान करते हैं, काला छाता दान करते हैं, तो ये शनि देव को प्रसन्न करता है। आप शनिवार को जाकर शनि मंदिर में शनि देव को तेल भी चढ़ाएं, उनको काले तिल अर्पित करें, उनके सामने दीपक जलाएं, तो इससे भी शनि देव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। परंतु इस उपाय को जो करना है वो कोरोना की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। तो यहां पर भाग्य के मालिक भी अगेन शनि देव हैं। विशेष तौर पर जो भाग्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो 3 से 5 अगस्त के बीच में रहने वाली है, जिस दौरान शनि देव के साथ चंद्रमा आकर वास करेंगे जो कि विष योग बनाता है। तो ये एक्सीडेंट्स का भी जो समय है वो सबसे ज्यादा इसी टाइम पर प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, संभावना बनी हुई है कि आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। भाग्य भी एकदम चौपट नजर आ रहा है 3 से 5 अगस्त के बीच में। किसी भी प्रकार का नया निवेश, कोई भी शुभ कार्य आप इस समय के बीच में ना ही करें तो बेहतर है। स्टॉक मार्केट से भी थोड़ा सा आपको दूरी बनाए रखने की जरूरत है। सट्टा जुआ इत्यादि में आपका लॉस होना तय। अब हम बात करेंगे आपके कर्म के भाव की। तो यहां पर कर्म में आपके लिए बहुत ही शुभ सूचना है। मंगल देवता शुरुआत के 10 दिन में आपके कर्म भाव में बैठे रहेंगे। अपने मित्र का घर है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो वर्क प्लेस पर कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और धीरे धीरे जब मंगल आपकी एरीज राशि में चले जाएंगे, यानी कि मेष राशि में 10 तारीख के बाद जब वो प्रवेश करेंगे, तो ये समय भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी इनकम बढ़ने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। विशेष तौर पर जो लोग खाद्य उद्योग में लगे हुए हैं, यानी कि खान पान की वस्तुओं का उद्योग करते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, खाने पीने से रिलेटेड कारोबार करते हैं, उसमें आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझ सकता हूं कि अभी कोरोना का समय भी चल रहा है तो अड़चने अभी तो बनी हुई है कि जगह जगह पर लॉकडाउन हो जाता है, जिस वजह से आपके जो सिर्फ जो टेक होम वाला बिजनेस, वैसे भी अभी सरकार ने अलाउ कर रखा है जिसमें सिर्फ टेक होम कर सकते हैं खाने को। धीरे धीरे ऐसा नजर आ रहा है कि सरकार की ओर से ही ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये दूर होंगी और विशेष तौर पर जब सूर्य वापस अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 15 तारीख के पश्चात, तब इन चीजों की संभावना और ज्यादा प्रबल होती है। धीरे धीरे आपके जो मंगल है वो भी बल लेंगे पूरे महीने के दौरान, तो ये सभी चीजें आपकी इनकम के बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। अब सबसे अंत में बात कर लेते हैं आपके खर्चों के भाव की। तो जो कि मैंने पहले भी बात करी थी कि यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, जो कि लव लाइफ रिलेटेड आपके खर्चे करा सकते हैं, पढ़ाई पर खर्चे करा सकते हैं, संतान पर खर्चे करा सकते हैं, परंतु परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी खर्चे आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह माने जो कि समय आने पर आपको भरपूर फल प्रदान करेंगे। तो अगर मैं संपूर्ण रूप से आपके राशि फल की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ जो राशि का मालिक है वो आपको जो दिक्कतें हैं वो दे रहा है, साथ में शनि देव से सावधान रहने की आवश्यकता है, जिनके लिए मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। इन उपायों का जरूर प्रयोग करें। अगर आपको उपाय ध्यान ना हो तो आप वीडियो को वापस चलाकर उपायों को दोबारा से सुन लें।
उन पे अमल अवश्य करें तो शनि देव की जो शुभ दृष्टि है वो आप पर बनी रहेगी। इनकम की, जैसा कि मैंने बोला था, संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा लाइफ पार्टनर सिर्फ मान सम्मान की हानि होने की आशंका थोड़ी सी बस बनी हुई है, तो उस पर ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिलाकर आपके राशिफल को देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं।